बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो पेस है ये नया ब्लॉग आप लोगों के लिए। और अभी तो हम नाश्ता बना रहे हैं, आंटी काम करके चल गई और ये यहाँ पे पोछा दे रहे हैं। ये भी दिखा दो, कैसी बीबी हो, पोछा दिलवा रही। हम नहीं दिलवा रहे हैं, यहाँ पे पूजा होगा, मतलब आज है सत्यनारायण भगवान का पूजा हम लोग के यहाँ, तो होली के सुबह ही रख दिए थे, तो यहाँ पे पूजा होगा आज, इसलिए इतना दूर पोछ रहे हैं क्योंकि अभी तक पोछा वाली नहीं आई है, तो वो आएगी, थोड़ा लेट से आती है, बस आने वाली ही होगी, लेकिन यहाँ पे सामान सब रखना है धो धो के, तो इसलिए यहाँ पे पोछा मार। बोलो बोलो होली खेलेंगे। सुबह सुबह क्या बोलती है कि मम्मी और होली खेलेंगे। कल के बार कपड़ा बदली क्या रहा? चार बार। गुड मॉर्निंग बोली सबको। गुड मॉर्निंग, आई लव यू, आई लव यू। लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो पूजा का सामान सब यहाँ पे ला के रखे हुए हैं, बर्तन वर्तन सब निकाल लिए हैं, धुलवा लिए हैं, और फल ये फूल सब ले आए हैं सुबह ही, बस अब हम जा रहे हैं नहा, मतलब रोटी बना के नहाने। तुम लाई है? हाँ, बनाने के चक्कर में मेरा रोटी जल गया पूरा, आपके चक्कर में होता है ये सब। बोले वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो वीडियो बनाने आए तो मेरा पूरा एक रोटी जल गया। सेट कम भी नहीं किया, हम भूल गए। तो मेरा यहाँ पे हरा चना का घुगनी बन गया है, और दिखाते हैं आपको क्या बना है। कुछ बनाए नहीं खास क्योंकि कल तो इतना कुछ बना ही था, और यहाँ पे काबुली चना और आलू डाल के बनाए हैं, पंडित जी भी खाएंगे इसलिए, और रोटी हम लोग अपने लिए बना रहे हैं, पंडित जी के लिए पूरी बना देंगे, है ना। हे गाइस, तो पंडित जी तो आ गए हैं और पूजा के सारा तैयारी भी स्टार्ट कर दिए हैं, और नेहा भी नहा ली है, भगवान जी का मंदिर को साफ कर रही है, तो हम और क्या रहा, जा रहे हैं अब नहाने। नहाने जा रही है? चलो नून। ओए मम्मी का, मम्मी पंडित जी का पूजा कर ली है। हाँ, पंडित जी का पूजा कर ली है। वाह वाह वाह, ठीक है, तुम नहीं करेगी? चलो नहा लो जल्दी, तब करना। हे गाइस, तो पूजा तो स्टार्ट हो गया है और सारा तैयारी भी पंडित जी कर दिए हैं, बिल्कुल अच्छे से सजा दिए हैं, और अभी हम लोग हाथ में मौली सूता कच्चा धागा बंधवा रहे हैं। नेहा बंधवा ली, अब बारी है क्यारा का, अब क्यारा भी बंधवा रही है और बहुत इंटरेस्ट लेके इस बार वो सारा चीज़ करवा रही है, तो ब्लॉग में बने हुए रहिएगा, पूरा वीडियो देख। ॐ पवित्रः पवित्रो वा सर्वा वा संगतोऽपि वः, यश्च मणिपुण्डरीकाक्ष स वाज्याभ्यन्तरशुचि। ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनातो, पुण्डरीकाक्ष पुनातो, पुण्डरीकाक्षः पुनातो, आत्मनां सिञ्चि जन्माता को प्रसिञ्चन करेंगे। ॐ पृथवीत्वा धृता लोका देवी त्वं विश्वना धृता, जंजुधाराय मां देवी पवित्रं कुरोक्षयासना। कमलाष्टमे नमः, विमलाष्टमे नमः, पद्माष्टमे नमः, आसनम्यो वाः। अम्मा तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते त्रिभुजम् स्मरामि। मङ्गलं भगवान् विष्णो, मङ्गलं गरुड़ध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलायतनो हरि। तेन पवित्रेण सूर्य सरस्वती तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतशिल्पिका महापुनीतक्षकेयम्मा, हस्ते गन्धाक्षितं पुष्पं गृहीत्वा शान्ति पाठपठेयुः। हरिः अम्मा स्वस्ते न इन्द्र विर्धत्सर्वाः, स्वस्ते नः ओघा विश्ववेदाः, स्वस्ते नस्तार्क्ष आरिष्टनेमिः, स्वस्ति न विहदवतिदधात् विहदस्वापारुक्ताः प्रेषिमातरः सुभङ्गामा।
रक्षस विश्वेन देवा अवसागम नेहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमा च वीरचित्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टो वा वंशस्तनाभिर्गसे महे देवहितं जदायो सदमिन्नसरदा अन्ति देवा यत्र न जग्राचरस तन्नाम्मा पुत्रा स जज पितरा भवन्ति मानो मत्याडे रेखताडे गन्धः आदित्योडादित्तेरन्दरिक्षमादित्तेर्माता सविता स पुत्रा विश्वे देवा आदधिः पाञ्च जन आदित्य जातमादित्य जानित्वा माद्यवूह शान्तिरान्तरिक्षग्वा सन्देः पृथिवी सन्देरापः सन्धिराघदयः सन्धिः वनस्वादय सन्धिर्विश्वे देवाः सन्धि ब्रह्मसन्धिः सर्वग्वं सन्धिः सन्धिरेव सन्धिः साम सन्धिरिति यतो यतः शमीहसे ददन अवयङ्गर सन्नः गुरुप्रजाभ्यः भयान्न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिकर भवतु मातरोलुकमातर देशगोष्ठी तथातोष्ठी आत्मनः कुलदेवता गणेशी नाहि दाहेता बीजो खोर्षः ॐ खुष्मातृका देविता प्रियन्ताम् नमः श्रीं सुबिरी सत्यनारायण भगवान् इति वृन्दावन हरिलाल इति हिंदी का संक्षेप। एक समय समस्त प्राणी के हित को चाहने वाली समस्त मुनिगण ने अर्थात रमणीक नेमी सारण क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूर्य वहां पे आए। उनको आते हुए मुनिगण उस पर खड़े हो गए, एक सुंदर सा आसन लगाए, आसन पर बैठा उनकी पूजन किए। पूजन करने के बाद महातेजस्वी सनकादि मुनि खड़े हुए और बोले, क्या बात है, आप लोग क्या इसके कारण सभा किए, समझी जाने की इच्छा है। अब जो है मुनिगण कहने लगे कि हे भगवान, हे ऋषिगण, मैं जो है इस लोक में जितने भी प्राणी हैं सब अनेक प्रकार के कष्ट अनेक प्रकार के दुख को भोग रहे हैं। इन लोगों को दुख दूर करने के लिए मैं यह सभा किया हूँ, यदि आप कोई उपाय जानते हैं इस कलयुग में बताइए। कहते हैं इस कलिकाल में मैं उत्तम व्रत बतलाता हूँ जो तीनों लोक में छिपाने योग नहीं और करने का योग है। ये विष्णु भगवान का पूजन है। जो भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा और इस लोक में शुभ होता हुआ विष्णु लोक चला जाएगा, या जो सुनेगा भी उसका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। या श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत है। इस कलिकाल में से बचकर कोई दूसरा उपाय नहीं है। इति अष्टकंड पुराण निर्वाकंडे श्री सत्यनारायण व्रतम प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की वृंदावन बिहारलाल की। सदैव की माया से एक समय नारद जी समस्त प्राणी के हित को चाहने वाले अनेक लोक से घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में आकर उन्होंने क्या देखा, मृत्यु लोक में जितने प्राणी मनुष्य जीव जंतु हैं सब नाना प्रकार के कष्ट नाना प्रकार के दुख को भोग रहे हैं।
इन लोगों को दुख दूर करने के लिए भगवान विष्णु के शरण में गए। जिस समय चार भुजाए वाले पंचक्र गजाधारी भगवान विष्णु शिश्रागर समुद्र में शेषनाग पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी महारानी चंद्रवारे थे। नारद जी नारायण करते हुए भगवान के शरण में गए। सूत जी नारद जी को आते हुए देख कहने लगे, हे नारद जी, क्या बात है? आप इस नगर किस लिए आए? तुम जी जानने की इच्छा है। नारदो वाचः। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, मैंने अनेक लोक में भ्रमण किया, अनेक लोक में जाकर देखा, अनेक लोक में जितने प्राणी मनुष्य जंतु है, श्रवणाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। इन लोगों को दुख दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर कहिए। लोग पाप करने में तत्पर हो गए हैं। कहे, आप जाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर इस पूजन को करने से वांछित फल मिलने वाला है। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। बोली, भगवान, इसका विदेश का विधान क्या है? तुम जी बताइए। कहते हैं, रंभा नाम केला का फल, शक्कर घी दूध गेहूं के चूर्ण अथवा चावल के चूर्ण लेकर आवेशा वा पाशा वा तीर लेकर आओ। भाई बंधु को बुला, ब्राह्मण को बुला, सत्यनारायण भगवान का पूजन श्रद्धा भक्ति के साथ करो। सत्यनारायण भगवान की पूजा के पश्चात प्रसाद वितरण कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे, ब्राह्मण को प्रणाम कर विदा करो। भाई जनों में प्रसाद वितरण करो। इस व्रत को करने से मन वांछित फल मिलने वाला है। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत है। नारद जी कहने लगे, भगवान, इस व्रत को पृथ्वी पर सबसे पहले किसने किया? तुम जी जानने की इच्छा है। किस समय करना चाहिए तो भी कहिए। कहते हैं, जिस समय मन में श्रद्धा भक्ति हो जाओ उसी समय इस व्रत को कर लो। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत है। एक समय काशीपुरी नाम में सतानंद नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण अत्यंत दलित दुखी ब्राह्मण थे। जिस दिन पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए जाया करते, एक रोज पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए गए। पृथ्वी पर भिक्षा मांगते मांगते परेशान हो गए। उसी समय भगवान पूरे रूप धारण करके ब्राह्मण के निकट पहुंची। ब्राह्मण को जाकर नमस्कार कर श्रोकाकुल कर कहने लगे, भगवान, इस व्रत को पृथ्वी पर आप जाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, आपका सारा कष्ट दुख दूर हो जाएगा। कहने लगे, भगवान, इसका विधान मुझे बताइए। भगवान ने सारा धन ब्राह्मण को बताकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान को चली जाने के बाद ब्राह्मण देवता संकल्प करते हैं। कहते, भगवान, मुझे भिक्षा मांगने से कल जो भी दर्ज हुए पैसे प्राप्त होगा उसमें सत्यनारायण देव का पूजन करूंगा। इसे संकल्प करके वहां से चल जाते हैं। चले जाने के बाद ब्राह्मण को चिंता से रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठ गंगा स्नान किए। जिस नगर में धनी लोग बसते उस नगर जाकर भिक्षा को मांगा। उस दिन भिक्षा मांगने से ब्राह्मण को दुगना दर दुगना पैसे प्राप्त हुआ। उसी दर से पूजन की सामग्री ली कराया। भाई जन बंधुओं को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, नामकरण करवाया। सत्यनारायण भगवान का पूजन श्रद्धा भक्ति के साथ किया। जब उन्होंने सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं सत्यनारायण की कृपा से धन पुत्रालय युक्त हो जाता है। आर्य श्लोक में शुभ भोगता हुआ विष्णु लोक चला जाता। श्री श्रीखंड पुराणी पंडित श्री सत्यनारायण प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले, सौनक भगवान विष्णु, जिस प्रकार इस व्रत को सारा विधान ने बताए थे उसी समय सतानंद ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। अब ना सौनक जी बोले, हे सूजी, इस व्रत को ब्राह्मण के बाद किसने किया? तुम जाने की इच्छा है? ब्राह्मण जो आप कहिए। सूजी बोले, हे मुनि, जिस व्रत को करने से मन वांछित फल मिलता है, एक समय सतानंद ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे उसी समय वहां पर एक वणिज लकड़ी लकड़हारा जो है लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था। भूखर प्यास से प्रीत होकर काठ मूल के भार ब्राह्मण के मकान के बाहर रखा। मकान में प्रवेश किया। जो ही मकान में प्रवेश करता ब्राह्मण पूजन को करते हुए देखा, निर्भता पूर्वक हाथ जो वहां पर बैठा प्रणाम कर पूजन देखने लगा। जब पूजन समाप्त हो जाता है, पूजन समाप्त हो जाने के बाद ब्राह्मण देवता स्मरण करते हुए विनती करते हुए कहने लगे, ब्राह्मण देवता, आप यह क्या करते? इसको करने से आपको क्या फल होता है? तो विस्तार पूर्वक आप हमसे कहिए। ब्राह्मण ने सारा विवरण से बता दिए।
जब ही बता दे दी के बाद लकड़हारा संकल्प किया भगवान आज लकड़ी बीच नहीं सुई जो भी दर्ज हुई पैसे प्राप्त होगा उदित मैं सत्यनारायण देव का पूजन करूंगा। इसे संकल्प करके लकड़ी को अपने कंधे पर रखा। जिस नगर में धनी लोग बसते उस लकड़ी को बेचा। उसने लकड़ी बेचने से दुगुना दर दुगुना पैसे प्राप्त हुआ। उसी तरफ से पूजन की सामग्री लेकर आया भाई जन बंधु को बुला ब्राह्मण बुला नामक सत्यनारायण भगवान का पूजन को किया। जब लकड़हारा सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं तो लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो गया और श्लोक में सुख पाकर अंत में क्षत्रिय लोग को चला गया है। मुनिगण इस कथा को सुनने से भी सभी सभी का मनोरथ पूर्ण हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ हाँ जी 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 सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोजी का है राजा के सरल का मुख नाम का जितेंद्र राजन था। वह राजा सदैव मंदिर को जाया करता। मंदिर के लौटने के बाद ब्राह्मण को धन देकर संतुष्ट किया करता। उनकी स्त्री दृष्ट मुख वाले अमूल की भी कमला दृष्ट मुख वाले नाम के स्त्री थी। वह स्त्री भद्रशीला नदी के तट पर बैठकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। जब राजा और रानी सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी उसी समय वहां पर एक बनिया बनिश करते हुए आया। वह साधु बनिया जो है राजन को पूजन करते हुए देखा नर्मदा से पूछने लगा। साधु बोली हे राजन आप यह क्या करते हैं? इसको करने से आपको क्या फल होता है? भक्ति पूर्वक कहिए सुनने की इच्छा है। राजन बोले हे साधु अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने भाई बंधु के साथ मैं किया करता हूँ। क्यों करता हूँ? पुत्र की प्राप्ति के लिए करता हूँ। जब मुझे पुत्र का प्राप्ति हुआ तब से मैं हर महीने इस व्रत को किया करता हूँ। अब जो है राजन सारा दिन उस बनिया को बता दिए। बनिया प्रसाद को पाया जल को पीकर कहा हे राजन मेरे गृह में कोई संतान नहीं है। मेरे गृह में पुत्र नहीं अगर कन्या भी जन्म लेगी तो मैं सत्यनारायण देव का पूजन करूंगा और अवश्य करूंगा। इसका विधि इसका विधान मुझे बता दे। वो ने बार-बार प्रार्थना करने लगा। राजा ने सारा दोनों बनिया को बता दी। बनिया प्रसाद को पाया जल को पिया थोड़ा सा प्रसाद अपनी स्त्री के लिए लेकर अपने मकान को गया। अपने स्त्री को प्रसाद दे दिया। उनकी स्त्री प्रसाद ग्रहण करती है। कुछ दिन कुछ ही समय में उनकी स्त्री अंचल गर्भवती हो जाती है। जब गर्भ का पूर्ण होता है तो एक सुंदर से निर्वकन्या निर्वकन्या कैसे उत्पन्न होती है? शुक्ल पक्ष में सही नाम के चंद्रमा कला कलक भरने वाली होती है। उसी तरह कला कलक भरने वाली हुई वाने बनिया के गर्भ पलने पर वृद्धि होने लगा। अब जो है उसका नामकरण करवा उसका नाम कलावती रखा। कलावती की माता लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कहती है स्वामी आप जो पूजन को संकल्प किए करना क्यों चाहते हैं? कहते पूजन तो करूंगा परंतु इस कन्या का विवाह के समय करूंगा। अपने स्त्री को समझा बुझा कर वनिज करने के लिए गए और कुछ दिन के बाद लौटा अपनी कन्या को सखी सहेली के साथ खेलते हुए देखा तो दूत को बुलाया कहा दूत हमारी कन्या विवाह की हो गई है। एक सुंदर वर खोज के लिया उसे आज्ञा पाते कांचन नामक नगर में गया और लक्ष्मीपति के पुत्र को उठाकर ले आया। कहा महाराज जी ने देखकर आज्ञा दीजिए। सुंदर से देखा लड़का का जाति संस्कार करवाया और उसके साथ विवाह कर दिया लेकिन विवाह के समय इस व्रत को भूल गया व्रत नहीं किया। भगवान कह रहे बनिया तो बहुत छलो तुम मेरे पूजन को संकल्प करते हो लेकिन तुम करना नहीं चाहते हो तुम्हारे ऊपर बहुत दुख प्राप्त होगा। भगवान का अंतर ध्यान हो गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से राजा चंद्र केतु के घर पर चोरी हो जाता है। चोर धन लेकर भागते हैं और राजा के दूत चोरों का पीछा करता है। चोर ने राजा दूत को आते हुए देखा सारा धन नौका में फेंक कर दोनों चोर जाकर छिप गए। अब राजा के दूत नौका के पास आया नौका में सारा सामग्री पाया तो ससुर दमाद को पकड़ कर ले गया। साधु कर्मनिया को बोला हे राजन इन दोनों तस्कर है इन्हें दोनों चोर है इन्हीं के नौकाओं का सारा धन दिन में व्यापार करते रात में चोरी करते हैं। बोले इसे ले जाकर कारागार में बंद कर दो। उसे जाकर कारागार में बंद कर दिए। श्री अष्टकंड पुराण रबाखंड श्री सत्यनारायण प्रताप प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बाद जो है सतदेव की माया से सूची जो है सतदेव की माया चंद्र के तू बनिया का वचन को कुछ नहीं सुना उसे कारागार में बंद कर दिया। अब दोनों बनिया को कारागार में बंद कर दिए। खाने पीने की सामग्री ना रहने के कारण लीलावती कन्या और कलावती दोनों घर घर भिक्षा मांगने लगी। जब दोनों भिक्षा मांगने लगती है भिक्षा मांगते मांगते वह सतानंद ब्राह्मण के मकान के पास पहुंची। जब सतानंद ब्राह्मण के मकान में पहुंचती है तो सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। उस स्थान पर बैठी कथा को सुना प्रसाद को पाया जल को किया और थोड़ा सा प्रसाद में माता बेटी शास्त्री को घर गई। माता धिकापती फटकापती पुत्री से कहती कलावती से कहती है कि हे बेटी तुम्हारे मन में क्या है तुम इतनी रात्रि तुम कहाँ थी। माता से हुआ सत्य वचन बोली कहते हे माता मनोरथ को पूर्ण करने वाला धन को प्राप्ति देने वाला मैं एक उत्तम व्रत को देखा हूँ थोड़ा प्रसाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जब थोड़ा प्रसाद उनके पास लेकर गए तो क्या देखे माता प्रसाद ग्रहण की। माता को ज्ञान आया कि मेरे स्वामी मेरे पति इस व्रत को संकल्प किए थे ना करने के कारण इतना दुख भोगने को मिलाया वह बारम्बार प्रार्थना करने लगी। कलावती से कही कि हे बेटी तुम्हारे पिताजी इस व्रत को संकल्प किए थे ना करने के कारण इतना दुख भोगने को मिलाया मैं माँ बेटी दोनों मिलकर आए थे सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। सभी उठी और श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा की सामग्री जुटा ली और सत्यनारायण भगवान का पूजन को कर लिया। कुछ दिन तक पूजन करती है भगवान प्रसन्न हो गए। राजा को स्वप्न ये राजन कल से मेरी जो बनिया को बंदीखाने में बंद रखा है उसे छोड़ देना जितना धन लिया है उसे कई दुगना धन उसे दे देना नहीं तुम्हारा धन बंद परिवार नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। अब राजा सभी मंत्री को लाए कई मंत्री जाओ दोनों बनिया को बंदीखाने चुरा कर ले आ। दोनों बनिया को बंदीखाने चुरा कर ले आए और दोनों खात कर करी पेट की बेरी कटवा कर छोड़ करवाए नए वस्त्र भोजन पहनाए जा बनिया ऐसा गलती दोबारा मत करना। अब राजा ने दोनों बनिया को समझा बुझा कर वहां से विदा कर दी। श्री अष्टकंड पुराण रेवाखंड सत्यनारायण प्रथम प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। साधु भगवान मंगलाचार पूर्वक करते हुए ब्राह्मण के धन लेकर निज नगर को चले। अब जो साधु का बनिया मंगलाचार करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे भगवान एक बूढ़े रूप धारण कर लिए और उसके पास पहुंच गए। बोले बनिया तुम्हारे नौका में पैसे मुद्री सोने चांदी खाने पीने की सामग्री मुझे दिख रहा है क्या तुम मुझे दोगे। वह भिखारी ने पंगे डंडी ब्राह्मण से बोल बैठा महाराज आप यह क्या पूछ रहे हो हमारे नौका में सिर्फ लता पत्ते बढ़ा हुआ है हमारे नौका में कोई ऐसा सामग्री नहीं जो कि मैं आपको दे सकूं। अब भगवान से झूठा भी बोल रहे थे भगवान के सत्यम वाचा जा तुम्हारा का गोचर सत्य हो। ऐसा कहकर भगवान समुद्र के किनारे एक बट के वृक्ष के नीचे बैठे। जब भगवान बट के नीचे बैठ जाते हैं इधर साधु का बनिया दामाद को लेकर व्यापार करते हुए अपने घर की ओर चला तो क्या देखता नौका का सारा धन नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब देख रोदन करने लगे विलाप करने लगे उनके दामाद के पिताजी रोने विलाप करने से कुछ नहीं होगा। जो बूढ़े ब्राह्मण अभी श्राप देकर के उनके पास चलिए अब उनको नमस्कार करते शोकाकुल करते कहते भगवान आपके गुण को मैं नहीं जानता मेरे अपराध को क्षमा कर दे क्षमा करने का योग है हर संक्रांति धर्मासी का आपका पूजन प्रार्थना करूंगा। जब कुछ तक पूजन प्रार्थना करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं प्रसन्न होकर कहने जाओ तुम्हारा नौका परिपूर्ण रहेगा। नौका परिपूर्ण पाए घर की ओर जाने की गाड़ी बन गया घर की ओर जाने से पहले दूध को काल तो तुम्हारे घर पे जाके कर तुम्हारे पति को मना जाके कर दिया। अब लीलावती कन्या कलावती माँ बेटी मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। लीलावती कन्या कलावती से कहती है बेटी तुम पूजन जल्द से जल्द समाप्त करके आना मैं पति दामाद को देखने के लिए जा रहा हूँ। पूजन तो छोड़ दी ये चली गई कलावती कन्या पूजन को पूर्ण कर दिया विसर्जन करना भूल गई प्रसाद खाना भूल गई ई भी अपने पिता और पति को देखने के लिए चली जाती है। भगवान आश्चर्य कई दोनों कन्या बहुत सुखी है परंतु थोड़ा गलती किया थोड़ा दंड जो नौका जल में आ रहा था वो आते आते जल में अतिष्ट हो गया जल में डूब गया।
अब देख शोधन करने लगी। कलावती कन्या लीलावती से कहती, हे माता मेरे पति की चरण पादुका मुझे दे दो, मैं लेकर सुखी हो जाऊंगी, मैं संसार में विधवा बनकर रहना नहीं चाहती। जब इस अर्चन को बोले भगवान को दिया गया, भगवान आग बांध दिए। हे लीलावती कन्या कलावती, अगर तुम दोनों कल्याण चाहती हो तो जा पूजन को अनुष्ठान करवा कर। पूजन विसर्जन करवा किया, दौड़ी हुई गई, फिर से पूजन को अनुष्ठान करवाया। पूजन विसर्जन करवा कर भाई जन में प्रसाद बांट कर प्रसाद ग्रहण करके आज का देखती है सब दिन को नाई। उसी समय से ज्ञान हो गया और ज्ञान होने के बाद हर महीने हर संक्रांति इस व्रत को करने लगे। व्रत करते करते वह धर्मपुत्र आदि से युक्त हो गए और श्लोक में सिद्ध होता हुआ तो श्लोक चले गए। श्री सत्यकर्ण पुराण निर्वाकन गए श्री सत्यनारायण प्रथम प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की वृंदावन हरिलाल की। देव की माया से एक समय सूजी बोले, प्रजा को पालन करने वाला तमधज नाम का एक राजन था। वह राजा प्रजा को सताया करता, गरीब को लुटा करता, जीव जंतु हत्या क्या करता और जंगल में जाकर मृग आदि पशुओं को भी मारा करता और शिकार खेला करता। एक रोज शिकार खेलने के लिए शिकार खेलते खेलते परेशान हो गया, कोई शिकार हाथ नहीं आया। उस स्थान पर बैठा, उसी स्थान पर ग्वालर लोग गौ को भी चराया करते थे। ग्वालर लोग गौ के दूध से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते थे। भाई बंधु प्रसाद वितरण करवाए। मन में सोचा राजा साहब बैठे हुए हैं, थोड़ा अपना राजन के पास लेकर जाए। राजन को दिए, बोला ये राजन मैं भाई बंधु मिलकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया हूँ, थोड़ा प्रसाद मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ। जब थोड़ा अक्सर राजन के पास लेकर गया, राजा कस के टाटा करता रहा था। ग्वालर मुर्ख, क्या तुम्हारे प्रसाद दूंगा मैं? तुम्हारे के प्रसाद कदापि नहीं दूंगा। ग्वालर लोग डरे मार के प्रसाद जमीन पर रखा, वहां से चल गया। राजा के मन साधु हुए, राजा अपने घर पे हो गया। भगवान कहे राजा तुम बहुत घमंडी राजा हो, तुमने प्रजा को सताया, गरीबों को लुटा, जीव जंतु हत्या किया, लेकिन आज तक कोई दंड कोई सजा नहीं दिए हैं, लेकिन तुम आज हमारे प्रसाद को अनुग्रह किया हो, जा तुम्हारा घर का सारा धन नष्ट हो जाए। अब घर का सारा धन नष्ट भ्रष्ट हो गया, रोदन करने लगे, विलाप करने लगे, हाहाकार करने लगे, कहने लगे भगवान से प्रार्थना करने लगे। जो ही बारंबार प्रार्थना करते हैं तो ही ज्ञान हो गया और ज्ञान होने के बाद वह जो है श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किए, भाई जनों प्रसिद्ध प्रसाद वितरण करवाए। जब ग्वालियर लोग राजा को प्रसाद दिया, राजा हाथ प्रसाद प्रसाद हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। अब राजा वह जमीन पर गिरा वो प्रसाद को पाकर आयत का देखता है, सब परिपूर्ण होते समय से ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद हर महीने हर संक्रांति व्रत को करते करते वह भी ग्वालियर लोग के साथ रहते रहते व्यक्ति में विलीन हो गया। श्लोक में शुभ भोगता वंत विष्णु चला गया। सत्यनारायण भगवान की वृंदावन हरिलाल की हंस दलवान की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की वृंदावन देव की गुरु भाई सब संतो की अपने अपने गुरु स्वामी की सनातन धर्म की बाबा नाथ की जय जय श्री सीताराम। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि भैरं नमामि। ओम जय नारद करत निरंजन।
ओम द्योह सन्धिरन्दर् चक्वां सन्धिः पृथिवी सन्धिरावः सन्धिरुगतयः सन्धिः वनदवदयः सन्धिर्विश्वे देवाः सन्धिर्ब्रह्म सन्धिः
सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेदी। पूजा तो हो गया कंप्लीट, पंडित जी के लिए यहाँ खाना बन रहा है, हम लोग के लिए बन गया है रोटी। ठीक है।